Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Biography venue. मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कबड्डी के अब तक के सबसे महंगे प्लेयर नितिन तोमर की बायोग्राफी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे नितिन तोमर की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे नितिन तोमर प्रो कबड्डी के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे प्लेयर बने। नितिन तोमर को 93 लाख में यूपी योद्धा ने लिया। जब से देश में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है, तब से कबड्डी के प्रति लोगों का रोमांच बहुत बढ़ गया है। लीग के शुरू होने से पहले ऐसे कई लोग थे जो कि कबड्डी खेल के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अब किसी से भी पूछो तो उनके मुंह पे कबड्डी के धुरंधरों के नाम रहते हैं, और उनमें से ही एक नाम है नितिन तोमर। नितिन तोमर का जन्म 30 अप्रैल 1995 को मलकापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नितिन तोमर बचपन से ही पहलवान बनना चाहते थे, क्योंकि नितिन तोमर के दो चाचा हैं जो कि पहलवान है। नितिन के चाचा राजीव तोमर को खेल के सबसे प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें पहलवानी करते देखकर नितिन तोमर का भी झुकाव पहलवानी की तरफ होने लगा था। नितिन की पढ़ाई महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से हुई, लेकिन नितिन जो करना चाहते थे पहलवानी, उसके लिए स्कूल में ज्यादा सुविधा नहीं थी, और इसी कारण नितिन ने कबड्डी को चुना। स्कूल में नितिन सिर्फ मजे के लिए कबड्डी खेलते थे, क्योंकि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में लगता था। एक बार नितिन ने इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और वहां अच्छा प्रदर्शन किया। कबड्डी खेलते वक्त रेसलिंग से भी उनको फायदा हुआ। उनका अच्छा प्रदर्शन देखकर शिक्षकों ने उन्हें कबड्डी में करियर करने की सलाह दी, और नितिन ने भी उनकी बात मानकर कबड्डी में सीरियस हो गए। 2012 में उत्तर प्रदेश के एक धनौर गांव में नितिन कबड्डी खेलने गए थे। वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की उच्च अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने वहां नितिन तोमर का बेहतरीन खेल देखकर नितिन तोमर को तीनों सेनाओं से अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन नितिन ने नेवी को चुना। नितिन जब भी गांव जाते हैं, तब अपने पिता और दादी के साथ मिलकर खेती के काम में हाथ बटाते हैं। प्रो कबड्डी के तीसरे सीजन में नितिन बंगाल वॉरियर्स में थे, जिसमें उन्होंने 10 मैच में 81 टोटल पॉइंट्स और सीजन 4 में पुनेरी पल्टन से 12 मैचों में 34 पॉइंट्स हासिल किए थे। प्रो कबड्डी के पांचवें सीजन में नितिन तोमर यूपी योद्धा के कप्तान है। अब तक 20 मैचों में 177 टोटल पॉइंट्स हासिल किए और सीजन 5 के सबसे अधिक टोटल पॉइंट्स में 7वें नंबर पर है। कुल मिलाकर 42 मैच में 292 टोटल पॉइंट्स हासिल किए, जिसमें 277 रेड पॉइंट्स और 15 टैकल पॉइंट्स भी शामिल है। 2016 का वर्ल्ड कप नितिन तोमर के लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि इसने ही नितिन को पहचान दिलाई। ईरान और भारत के बीच कबड्डी फाइनल्स में डू और डाई रेड में महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स लिए। दोस्तों, नितिन तोमर ने काफी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एम करते हैं 1000 लाइक्स का। कमेंट्स में जरूर बताइए अगले प्रो कबड्डी के सबसे महंगे प्लेयर कौन रहेंगे, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।